निकले और हम लोग देख सकते हैं और चल रहे हैं रोड पे इतने नहीं है। और आज जो है हम लोग सिल्चर रिपब्लिक डे का परेड जो है वो देखने जा रहे हैं और बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि भी हो रहा है सुबह का और जल्दी पहुंच के उधर में ठीक है। सूरज भी निकला हुआ है उधर में मेरे साथ है गौरव है। गौरव जो है राइड कर रहा है क्योंकि मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर है। तो अभी हम लोग इधर में भगतपुर जो है पहुंच गए हैं और ज्यादा डिस्टेंस है नहीं इधर से और जल्दी जो है हम लोग पहुंचने वाले सिल्चर के रोड में सिल्चर परेड ग्राउंड पर। तो परेड ग्राउंड में परेड होने वाला स्पेशल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का परेड उधर ही होगा। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग जो है असम राइफल पहुंच गए हैं और ये जो है ये फौजियों का इलाका है और अभी ये लोग के लिए भी आज के दिन बहुत बड़ा दिन है सभी के लिए। ये लोग के लिए बोल के लिए हम जो इंडियन सिटीजन है सबके लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज रिपब्लिक डे है और जो है हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले आज का पूरा दिन। जो पहुंचने वाले ज्यादा डिस्टेंस है नहीं अभी इधर से जो है मतलब दो मिनट का रास्ता है हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे ठीक है। और ये देखिए ये असम राइफल का दूसरा यूनिट आ गया इधर पे मेरे पीछे मेरे और ये साइड में भी देख सकते हो। ये देखिए ये हो गया असम राइफल का यूनिट और वो देखिए सिपाही खड़ा है और इधर से जो हम लोग जाएंगे ये साइड से होके और अभी सामने ही है परेड ग्राउंड और ज़्यादा दूर है नहीं इधर से और पहुँच ही जाएंगे अभी ठीक है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी जो है परेड देखने वाले हम लोग अपना और पहुँची देखे जो है परेड देखेंगे तो जितना जल्दी हो सके उधर में पहुँचना है। अभी मेरे हिसाब से अभी विंटर का सीजन है ना तो अभी से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि हम लोग ने जो पीछे में जो है एनसीसी के कैडेट देखे थे जो कि रेडी हो रहे थे रोड पे। तो देखते हैं उधर में पहुंच के क्या होता है ठीक है। ये हो गया सिल्चर ओके सिल्चर इंडिया क्लब पहुंच गए हम लोग और अभी जो है ना मतलब इधर से पास ही है हम लोग इधर से कट लेंगे टर्न करके यू टर्न करके फिर गली से होके जाएंगे ठीक है। तो इंडिया क्लब के उधर में पहुंच गए अभी इधर से यू टर्न लेना है यू टर्न लेने के बाद और आप लोग देख सकते हो ये देखिए गौरव राइड कर रहा है और ये रहा ये साइड से यू टर्न लेके फिर उधर से हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में फिर आ ही जाएगा परेड ग्राउंड और पास ही है और ये हो गया इधर में डीएसए का ग्राउंड जो है इधर में है और इधर में जितना भी स्पोर्ट्स है वो देखिए स्पोर्ट्स अभी सिल्चर का स्पोर्ट्स भी इधर में होते हैं और बच्चे लोग जो है अभी मतलब खेलने के लिए रेडी हो रहे हैं
और वो देखिए बहुत ही अच्छा गेम होने वाला है आज। ठीक है भाई, तो अभी जो है हम लोग पहुंच ही गए हैं परेड ग्राउंड, और आप लोग देख सकते हो आगे में इधर में पुलिस लोग है और सामने ही है वो देखिए, उधर में जो है अभी ये देखिए ये मंदिर है भगवान का, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आगे में जो है गार्ड लगे हुए हैं, बहुत सारे गार्ड है आगे में, ठीक है, और ये साइड में भी गार्ड लगे हुए हैं, तो आगे जाके हम लोग परेड देखेंगे। अभी पहुंच ही गए, ज्यादा डिस्टेंस है नहीं इधर से, ये अभी पार्क करेंगे व्हीकल को आगे ले जाके, और आगे ले जाने के बाद हम अभी पार्क कर देंगे। सो अभी हम लोग पहुंच ही गए गाइस, और ठीक है सो व्हीकल हमारा पार्क हो रहा है, और इधर में जो है गौरव अभी बुलेट को पार्क करेगा, और हम लोग जो है ये साइड में परेड होने वाला है, और आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स अभी जो है इधर आ चुके हैं, तो जितना जल्दी हो सके अंदर जाना है हम लोग को, ठीक है, वो साइड से अंदर जाएंगे। लास्ट टाइम भी जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन आए थे तो वो साइड से गए थे, ये साइड से नहीं, वजह से। सो पब्लिक का एंट्रेंस वो साइड से होगा क्या? सो सर बोल रहे हैं कि मतलब जो भी कैडेट्स अभी है जो भी परेड करेंगे ये साइड से एंटर होने वाले, और पब्लिक जो है ऑडियंस जितने भी देखेंगे सो उधर से जाके उधर से एंट्रेंस लेना है वो लोग को। तो कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है अभी वो साइड में, ये हो गया मेन एंट्रेंस है, और इधर में देखिए सर लोग जो है परेड करने जितने भी गार्ड्स अभी है, और इधर में भी कैडेट्स है फ्यूचर का, ठीक है, टाइम थोड़ा बाकी है अभी, और बहुत जो है कैडेट्स इधर में रेडी हो रहे हैं, और बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं ये साइड में भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पुलिस सर है, और ये साइड में भी है, और आपको मेन एंट्रेंस दिखाता हूँ, इधर में आगे में जो है मेन एंट्रेंस है, और इधर में सर लोग जो है अभी बहुत ही तैनाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इधर में मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, बहुत अच्छे से चेकिंग होने वाला है। सर कितने बजे से मतलब इधर में स्टार्ट होगा परेड अभी? स्टार्ट 8:55 से स्टार्ट हो जाएगा ना, और पब्लिक का एंट्रेंस कौन सा साइड से होगा? तो पब्लिक का एंट्रेंस जो है वो साइड से दूसरे साइड से होगा, इधर में जो है जो भी परेड करेंगे सिर्फ स्टूडेंट कैडेट्स अभी के लिए, सो इधर में देख सकते हो फुली मतलब ओके ओके, सो फुली प्रिपरेशन हो रहा है अभी, मतलब 8:55 से स्टार्ट होने वाला है, और आप लोग देख सकते हो पूरा लाइन उधर से स्टार्ट है, और उधर से स्टार्ट होके ये साइड में भी है, और ये देखिए सर लोग बहुत तैनाती है, और इधर में स्ट्रिक्ट जो है होने वाला है, और पब्लिक जो हम लोग को उधर से जाना है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। आज जो है रिपब्लिक डे है 74th, और अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है, ये सिलचर जो है परेड ग्राउंड में हो रहा है, सिलचर परेड ग्राउंड में, और सभी जो है कैडेट सभी इधर में है, और बहुत ही अच्छे से हम लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, और ये देख सकते हो इधर में सभी जो है तैनाती करते, और ये साइड से सभी अच्छे से इधर में ये देखिए ड्यूटी करने के लिए, और मैं जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सभी देखने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो है देख के बहुत ही अच्छा लगा था हम लोग के सिलचर में, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होता है ये रिपब्लिक डे, और क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीजन है तो बहुत ही बड़ा दिन है हम लोग के लिए, ठीक है। और ये देखिए मेन एंट्रेंस, और सभी जो है अपने अपने कल्चरल प्रोग्राम जो है शो करेंगे, और आगे जाते पूछते बहुत सारे कैडेट लोगों से, सर लोगों से भी पूछते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कितना एक्साइटेड है बोल के, ठीक है, तो आज के दिन बहुत ही बड़ा खास है। और सर आप कुछ कहना चाहोगे आज 74th रिपब्लिक डे है, सो स्पेशल कुछ मतलब संदेश देना चाहोगे देश के पब्लिक को कुछ? सर भी बहुत मतलब बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीजन है, सभी आज बहुत बड़ा दिन है हम लोग के लिए, और इधर में देखिए बच्चे लोग भी बहुत रेडी हो गया है, और इधर में आप सभी मतलब परेड करने वाले हो राइट, सो ये देखिए एनसीसी के कैडेट भी सभी मतलब बहुत अच्छे से इधर में रेडी हो गया है, सो बहुत बड़ा दिन है हम लोग के लिए, तो अभी ठीक है, और आप लोग वीडियो को बने रहिए एंड तक, वीडियो को जरूर देखें, और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो अफसर लोग भी आए इधर में ये साइड में, और बहुत सारा मतलब ये देखिए सीमा सुरक्षा बल, और इधर में जो है ये इधर का एमएलए भी आ गया, और आप लोग देख सकते हो गार्ड्स और सभी
जो है अंदर जा रहे हैं अभी, और ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो फिर ने बोला था 8:55 वैसे ही स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग देख, जितने भी कैडेट्स अभी है सभी अंदर जा रहे हैं, ये देखिए सभी पूरा अंदर जा रहे हैं। तो अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग को अंदर जाके मतलब फ्रंट सीट जो है वो रखना है, क्योंकि जितना पास में फ्रंट साइड में रहेंगे उतना जल्दी आप लोगों को दिखा सकेंगे। सो वो देखिए कितना मतलब अच्छे से, ये देखिए पास से आ रहे हैं, और ये देखिए सभी जो है अंदर जा रहे हैं। सो आप लोग भी आइए आके मतलब देखिए इधर में, ठीक है, देखिए सेलिब्रेट कीजिए रिपब्लिक डे। सिलचर में बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही खास होता है। सो अभी मतलब 8:55 का वेट हो रहा है, मेरे से रहा नहीं जा रहा, ठीक है। सो वो बोलते हैं ना रहा नहीं जा रहा, वैसा सिचुएशन हो गया, ठीक है। मेन एंट्रेंस जो है ये साइड से है, और हम लोग उधर से होके आए थे ये साइड से, और इधर में बहुत ही ज़्यादा तैनाती है, और आप सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है आज के दिन में। और इधर में चेकिंग भी हो रहा है। सो आप लोग देख सकते हो ये साइड जो है ये पब्लिक के लिए जितने भी देखने के वाले है, और ये देखिए मेरा भाई का मतलब चेकिंग हो रहा है। चैनल कर दो नाम ना, यूट्यूब पर, सो अभी आप लोग जितने भी लोग हैं वो साइड से लेके इधर से लेके, और इधर में जो भी लोग हैं देखने वाले के लिए वो लोगों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम करके रखा है पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए जो भी देखने वाले। और इधर में बहुत लोग जो है देखने के लिए आए, आप लोग देख सकते हो पूरा लाइन कतार पे है ये साइड से। और जो भी पैरेड करने वाले हैं ना वो जो है वो साइड में है, आप लोग को दिखाता हूँ मैं थोड़ा जूम करके, वो देखिए उधर में, मेरे को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये देखिए। तो देखते ठीक है। और आज जो है मतलब रिपब्लिक डे के साथ में सरस्वती पूजा भी है, और डबल डबल खुशी का दिन है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि आज डबल सेलिब्रेशन होने वाला है। वो साइड में आप लोग देख सकते हो सभी रेडी होके उधर में खड़े। तो अभी आप लोग देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है, जितने भी कैडेट्स अभी है सभी अंदर में आ रहे हैं, स्टूडेंट्स सभी लोग। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये व्यू देखिए ना, मतलब मज़ा ही आ गया क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीजन है। और आज जो है आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, और जो रिपब्लिक डे है ना हम सभी सेलिब्रेट करने आए। ये देखिए बच्चे लोग सभी जो है कितने मतलब अच्छे से जो है परेड कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा जोश भरा परेड आप लोग देखिए इधर में। ये जो परेड हो रहा है ना ये सिलचर परेड ग्राउंड में हो रहा है, और ये हर साल होता है, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही लोग जो है ज़्यादा लोग देखने के लिए आए भी है, और ये देखिए सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स सभी आ रहे हैं, मतलब इधर के सिलचर के जितने भी स्कूल है सभी से आ रहे हैं। और ये साइड में भी पब्लिक लोग बहुत है, और पीछे में देखिए एनसीसी के कैडेट्स अभी एंटर हो चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो एनसीसी के कैडेट्स जो है इधर में ये ब्लू वाला शर्ट से, और ये देखिए उसके पीछे में जो है आपको फोर्सेस दिखाई देंगे एनसीसी के कैडेट के पीछे में। और ऐसा मतलब जोश भरा परेड देख के ना खुद को भी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मेरे को तो, मतलब और सभी को भी प्राउड फील होगा ये सभी देख के, क्योंकि मतलब परेड देख के बहुत ही अच्छा फील होता है। और ये देखिए इधर में आगे जो है लीड कर रहा है, और लंबा सा इधर में छोटा बच्चा, और ये देखिए उसके आगे जो है लड़की लोगों का है, मतलब लेडीज बैच है एनसीसी का। और पीछे में ये देखिए आगे अभी, और ये नज़ारा देखने के लिए हम लोग सुबह से खड़े थे, ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ये सभी देख के। और सभी को जो है देखना भी चाहिए क्योंकि ये हम लोगों के लिए जो भी इंडियंस है सभी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है रिपब्लिक डे जो है। और आप लोग भी देखिए, आप लोग देख सके बोल के हम लोग सुबह सुबह उठ के आ गए, और मेरे को भी अच्छा फील हो रहा है। और ये देखिए आज जो है ना मतलब वैसे मतलब डबल डबल खुशी का दिन है, एक तो रिपब्लिक डे, ऊपर से सरस्वती पूजा भी है आज के दिन। तो ये देखिए ये देखिए, वाह, ये देखिए बैंड, आप लोग सुन सकते हो बैंड का साउंड, और
ये बैंड जो है इसका मतलब ये शायद आसाम राइफल्स का होगा और इधर में नाम तो मेंशन है नहीं और नाम मेंशन नहीं है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मतलब बहुत ही फील हो रहा है ये साइड में। मतलब इधर में मैं हर साल जो है देखने की कोशिश करता हूँ और लास्ट टाइम भी आया था मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन में और अभी जो है रिपब्लिक डे के दिन में फिर से आ गया और ये जो है पूरा ग्राउंड का जो है राउंड लगा रहे शायद और अच्छा फील होता है। और इधर में सर लोग को भी देखिए, ये देखिए और बच्चे लोग जो है दौड़ रहे हैं और वो उधर में जाके खड़े हो गए। सो अभी आप लोग देख सकते हो परेड जो है स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, जो भी इंडियंस है, इंडिया के सिटीजन है, सभी के लिए प्राउड मोमेंट है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ये सभी देखने के बाद में, क्योंकि सभी को देखना भी चाहिए। और आप लोग देख सके बोल के हम लोग सुबह सुबह उठ के आ गए इधर में और मुझे भी देखने के बाद में इतना जोश भरा फील हो रहा है ना कि क्या ही बोलूं। अभी मतलब फ्लैग होस्टिंग होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ। मैं आप लोग देखिए बहुत सारे ऑडियंस जो है देखने के लिए आए हुए हैं वो साइड में भी और इधर में आके जो है खड़े हो गए सभी जो है। ये बैंड आसाम राइफल का लग रहा है मेरे को और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इधर में आके, मतलब ये परेड देखने के बाद में। और इधर में देखिए स्टूडेंट्स सभी जो है ये साइड में लगे हुए और वो साइड में जो है एनसीसी कैडेट जो है नजारा जो है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मतलब अभी जो है मतलब फ्लैग होस्टिंग होने वाला है और सभी को डायरेक्शन बता रहे हैं कि क्या क्या करना है बोलते। और वो साइड में जो है एनसीसी कैडेट्स खड़े हैं, आप लोग देख सकते हो। उधर में जो है लेडीज बैच है और इधर में स्टूडेंट है और ये देखिए ये आसाम राइफल का लग रहा है मेरे को। और उधर में भी है जितने भी स्टूडेंट और फोर्सेस का भी, जितने भी सीआरपीएफ पुलिस का भी आगे में फ्रंट साइड में फ्रंट रो में खड़े हैं। सो मतलब अच्छी बात है, अच्छा फील हो रहा है ये सभी परेड देखने के बाद में और जोश भरा फील हो रहा है। ठीक है, सो आगे में भी देखिए वीडियो, आप लोग वीडियो पे बने सो अभी देखिए ये देखिए सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है। ये प्यारा सा डॉग जो है मतलब लेब्रो है, सो ये जो है सुन सुन के चेक कर रहा है कि कुछ है तो नहीं, अच्छी बात है। और आप लोग देखे कितना प्यार से उसको ट्रेन करके रखा। होस्टिंग होने ही वाला है, अभी सभी रेडी हो चुके हैं, बस कुछ चंद पोलों की मतलब देरी है। ठीक है, सो आप लोग देखे वो सभी स्टेज में जो है चढ़ चुके हैं सभी लोग जो है। দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে
আজকের এই পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে কাছাড় জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় 74তম প্রজাতন্ত্র দিবস সার্থক এবং সাফল্যমণ্ডিত করে তুলি। श्रीमान प्रधानमंत्री दिवस पर समारोह आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान সম্মাননীয় সুধীজন, কাছাড় জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় 74তম প্রজাতন্ত্র দিবস পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যের শক্তি সমবায় এবং খনি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা মহোদয়া, এবারে বিভিন্ন প্যারেড কমান্ডারদের নেতৃত্বে সজ্জিত মাঠ পরিদর্শন করছেন। রয়েছেন প্যারেড কমান্ডার জান কিশোর গগৈ, ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পুলিশ। আপ লোক দেখ সকতে উধর মে এক বচ্চি জো হ্যায় বেহোশ হো চুকি হ্যায়। রয়েছেন ওমেন প্লাটুন প্লাটুন কমান্ডার মৌসুমী ফুকন। রয়েছেন আনআর্মড ব্রাঞ্চ প্লাটুন প্লাটুন কমান্ডার সৌমেন দে। মাঠে সজ্জিত আছে আর ব্রাঞ্চ প্লাটুন প্লাটুন কমান্ডার এস আই। কমান্ডার
Simon, great commander, great work! माननीय সুধীজন, এবারে 74তম প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যের শক্তি সমবায় এবং খনি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসে মহোদয়া সকলের উদ্দেশ্যে তার অনুভব ব্যক্ত করবেন এবং জাতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখবেন। 74তম প্রজাতন্ত্র দিবস এই উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এই শীতের সকালে আপনাদের উৎসাহ উত্তেজনা সাধারণত্র দিবসের প্রতি সাধারণ জনাতে শ্রদ্ধাবোধের সাক্ষ্য বহন করে এই স্বাধীনতার সাধারণতরের স্বপন দেখাইছিলেন আমার দেশের সত্য সত্য বীর শহীদ। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই তাদের প্রতীকের প্রতি। এই কথা আজের বলার অবকাশ রাখেন। 1950 সালের 26 জানুয়ারি আমাদের দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আজ এই সাধারণতন্ত্রের সুরক্ষা যারা সমচরণদে মনিরাম বড়ুয়া, সম্বোধন ফংল, কনকলত বড়ুয়া, পিয়ালি ফুকন, কুশাল কনওয়ার প্রমুখকে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেন এক এক জনের নমুল্লা করলেও আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সকল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। সাধারণতন্ত্র দিবস ভারতের সংবিধানকে শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম নিবেদন করি। বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের উদ্দেশ্যে যার নেতৃত্ব এই সংবিধান প্রণীত হয়েছে। আপনারা সকলে লক্ষ্য করেছেন এইবার ইংরেজি নববর্ষের সকালে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান সরকারের মন্ত্রীকে কতবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গিয়েছিলেন, কোথায় কোথায় মন্ত্রী সভার বৈঠক হয়েছে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করেছেন। সেই দিন তাকে আমি মনে করি কাছাড় জেলার ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী। গত নভেম্বরে শিলচরে মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম একসঙ্গে সমস্ত মন্ত্রী জেলায় রাত কাটিয়েছেন।
নিজেদের বিভাগ যার কর্ম পরিচালন করেছেন মন্ত্রিসভার বৈঠক ছাড়া ও রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী কোনো না কোনো সময় কাছাড় জেলে সফর করে দিয়েছেন আমার বিশ্বাস এই সবের সফল নিশ্চিতভাবে জেলাবাসী ভোগ করেছেন কাছাড় জেলায় এইবার এক বিশেষ অবঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে গত বছরে অভূতপূর্ব বন্য আমাদের অনেক কিছু শিখে গেছে অনেক সত্রকার বর্তায় দিয়ে গিয়েছে তাই রাজ্য সরকার চারটি স্পঞ্জ সিটি প্রজেক্টের মধ্যে শিলচরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এই প্রকল্পে বৃষ্টির জলকে ধরে রাখার বিশেষ উদ্যোগকে নিয়োগ হবে তাহলে এই দিন যেমন বৃষ্টিতে বর্তমানে শহর আজ কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয় তার থেকে রেহাই মিলবে পাশাপাশি জল সরবরাহ প্রকল্প এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হবে শিলচর শহরে এই প্রকল্পের জন্য চারটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে এই মর্দে এটি বাচ্চে নিয়ে ডিপিআর তৈরি করা হবে সেইখানে নগর উন্নয়ন মন্ত্রক 30 হেক্টর জায়গায় জুট 100 কোটি টাকা বে স্পুন বা সমাচার মতো জোদার তৈরা করা হবে সেই
प्लाटून कमांडर विशाल दशे नेतृत्व भारत स्काउट प्लाटून करण धुबी प्लाटून कमांडर नेतृत्व गॉड बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लेफ्टिनेंट कमांडर मरियम बेगम लश्कर नेतृत्व बीएनएन के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्लाटून कमांडर मोनिका दास नेतृत्व भारत गाइड्स प्लाटून कमांडर शुभदीप सिंह के नेतृत्व डेफोडिल्स स्कूल प्लाटून प्लाटून कमांडर राहुल सिंह के नेतृत्व पैरामाउंट इंग्लिश एकेडमी प्लाटून प्लाटून कमांडर माफीज लश्कर नेतृत्व रेडियंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल प्लाटून प्लाटून कमांडर एबीएसआई दिलीप बाबू सिंह नेतृत्व सिक्स आसाम पुलिस बैटालियन बैंड प्लाटून राज्य शक्ति समबाय एवं खनि विभाग माननीय मंत्री महोदया नंदिता गर्लोसा विभिन्न प्लाटून कमांडर नेतृत्व प्लाटून अभिवादन ग्रहण कर ले आप लोगों ने जो है सिलचर रिपब्लिक डे का जो परेड डे आप लोगों ने देखा, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब लगा हम लोग को ये परेड देखने के बाद में, और आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि मतलब इतना जोश भरा जो परेड कर रहे थे ये लोग, सुबह सुबह बच्चे भी है, हम लोग के फोर्सेस के जितने भी मतलब सोल्जर सभी है, सब भी परेड कर रहे थे। और लाइक तो बनता ही है क्योंकि मतलब आज इतना मतलब स्पेशल दिन है हम लोगों के इंडियंस के लिए। और आप लोग देख सकते हो सिलचर जो परेड ग्राउंड में परेड हो रहा था, ये जो परेड आप लोगों ने अभी जो देखा, सो मतलब वीडियो आप लोग का कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग का जो है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, ठीक है।
सो वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय और खुश रहिए।